नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। सीधी में कई सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन उन सारे मुद्दों से इतर एक छात्रों के हितों का मुद्दा है। जी हां, आए दिन सीधी में देखा जाता है कि कई सारे छात्र संगठन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के संजय गांधी शासकीय सुशासी कॉलेज के भीतर आंदोलन करते रहते हैं। विभिन्न प्रकार की मांगें उठती रहती हैं। आए दिन देखा जाता है कि लॉ कॉलेज की मांग को लेकर के, विश्वविद्यालय की मांग को लेकर के छात्रों द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाता है, तमाम प्रकार की मांगें की जाती हैं। और साथ ही साथ ये बात भी सामने आती है कि सीधी के संजय गांधी शासकीय सुशासी कॉलेज में आज भी कई सारी मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है, कई सारी चीज़ों का अभाव है, जिसके कारण से छात्रों को पठन पाठन और अध्ययन में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन सारे मुद्दों में चर्चा करने के लिए हमारे इस खास एपिसोड चाय चौपाल के दूसरे एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद हैं एनयूसीआई और एबीवीपी, दोनों छात्र संगठन। एनयूसीआई की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं दीपक मिश्रा, जो कि एनयूसीआई के जिला अध्यक्ष हैं। आइए, सबसे पहले हम उनसे रूबरू होते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को, सभी छात्रों को, सभी साथियों को नव वर्ष की मंगलमय शुभकामनाओं के साथ, मैं उनके उज्जवल भविष्य, उनके जीवन को खुशियां से भरे भगवान, ये कामना करता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आए दिन छात्र संगठनों द्वारा आंदोलन किए जाते हैं अपनी मांगों को लेकर के, तो क्या लगता है कि अभी भी छात्रों को बुनियादी सुविधाओं का अभाव है? देखिए, जब से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और जब से सरकार बनी है, तब से ये छात्र विरोधी सरकार रही है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां छात्रों के साथ लगातार छलावा किया जाता है। छात्रों के एग्ज़ाम के नाम पर फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म भराने के बाद उनके पेपर नहीं होते हैं, पेपर आज हो जाते हैं तो उनके रिजल्ट नहीं आते हैं। इस तरीके की निरंतर समस्याएं चलती हैं। छात्रों के हित को लेकर के किसी भी एक नए महाविद्यालय का निर्माण नहीं किया जा रहा है, किसी भी नई यूनिवर्सिटी का निर्माण नहीं किया जा रहा है। लगातार कहीं ना कहीं जो छात्रों की विरोधाभास में प्रगति हो रही है, वो भाजपा सरकार के निर्मित होने के बाद ही बनी है। ना किसी, आप जैसे उदाहरण लें एक छोटा सा, सीधी जिले में एकलौता पीजी महाविद्यालय है, जिस बिल्डिंग में हम लोग खड़े हैं, यह स्वर्गीय दाऊ साहब कुंवर अर्जुन सिंह जी द्वारा प्रदायित, जब एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं, उनके द्वारा दिए हुए पैसे से इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। और उसी बिल्डिंग के निर्माण में भाजपा के कुछ लोग यहाँ पर रह करके उसमें भी पैसा बचाने और खाने का प्रयास करने लगे। और इसके अलावा जितने भी सीधी जिले में महाविद्यालय खुले हैं, वो स्वर्गीय दाऊ साहब के समय से खुले हुए हैं और उस समय से निर्मित है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सीधी में जो विधायक और सांसद महोदय उपस्थित हैं, इन्होंने आज तक सीधी में छात्र हितों को लेकर के, मैं प्रदेश की बात तो आपको बता ही चुका हूँ, सीधी लोकल की बात करता हूँ, आपको बता दूँ कि सीधी में तीन तीन भाजपा के विधायक हैं, दो सांसद हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, लेकिन इनमें से किसी भी व्यक्ति ने छात्र हितों को लेकर के एक भी कहीं महाविद्यालयों का निर्माण नहीं किया। एक घटना आपको बताता हूं, सन 2008 में भाजपा की सरकार थी मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह जी की सरकार थी, उस समय सीधी में एकलौता विधि महाविद्यालय जो चल रहा था, उस महाविद्यालय को इन्होंने बंद करा दिया। उसका कारण सिर्फ एक था कि सीधी के लोग शिक्षित ना हो पाएँ, सीधी के लोग विधि के बारे में जानकारी ना हासिल कर सके, जिससे वो अपने अधिकार और हक की लड़ाई लड़ सकें, जिसकी लड़ाई हम लगातार कई वर्षों से लड़ रहे हैं। एनएसयूआई लगातार इस चीज़ों की लड़ाई लड़ रही है। लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अभी तक आपको रिस्पांस क्या मिला? देखिए, आपको बताता हूँ, प्रशासन तो निरंकुश है, क्योंकि भाजपा सरकार छात्र विरोधी है, किसी भी तरीके से छात्रों के हित को लेकर एक भी बात आगे नहीं जाने देता और न छात्रों के हित को लेकर के किसी भी तरीके का कार्य होना देना चाह रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो यही मांग को लेकर के हमने जमीन तक के अलॉटमेंट करा लिया था विधि महाविद्यालय को लेकर के। जब भाजपा की सरकार षड्यंत्र, जैसा आपको सबको विदित है कि विधायकों को खरीद फरोख्त करके और जिस तरीके षड्यंत्र रच करके, इतनी अच्छी सरकार जो चल रही थी माननीय कमलनाथ जी की, उस सरकार को गिरा करके इन्होंने फिर से वही स्थितियाँ बना दी और फिर छात्र विरोधी काम चालू कर दिया। आपने कहा कि जमीन का अलॉटमेंट करवा दिया गया। जी जी, तो उसके बाद की आगे की प्रक्रिया क्या भाजपा की सरकार में नहीं हो पाई? नहीं हो पाई किसी भी तरीके से, और केवल बातें करते हैं और सिर्फ हवा में बातें होती हैं। इनके द्वारा, इनके जो लोग हैं, इनके सिर्फ हवा में बातें होती हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर कर रहे हैं तो आप 2 साल पूरे होने चले आपकी सरकार बनने में, वापस से आपने क्या प्रगति की उस पर?
आज दूसरा साल चालू हो रहा है, किसी भी तरीके से महाविद्यालय में आप ये समझ लीजिए जब प्रवेश प्रक्रिया चालू होती है इस महाविद्यालय में, आपने स्वयं देखा है हजारों छात्र वंचित रह जाते हैं, हजारों की संख्या में छात्रों को ये स्थिति होती है कि जो गरीब छात्र है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसे प्राइवेट महाविद्यालय में मजबूरी में या तो किसी तरीके से प्रवेश लेना पड़ता है कुछ लोन लेकर के कहीं से किसी तरीके से, या तो उसको अपना साल बर्बाद करना पड़ता है। इन्हीं सारे मुद्दों में बात करने के लिए हमारे तरफ ABBP की तरफ से मौजूद है महेंद्र मिश्रा जी। सभी को नमस्ते। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमको इसके जानकारी के लिए बुलाया। लगातार छात्र संगठनों द्वारा आंदोलन किए जाते हैं, क्या लगता है कि आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है? जी, आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ती है? बिल्कुल बुनियादी आवश्यकता है, क्योंकि महाविद्यालय सीधी जिले में एक ऐसा महाविद्यालय है जो UG PG के लिए, और यहाँ पर समस्याएं तो रहती हैं क्योंकि इस साल कोरोना काल के चलते काफ़ी बहुत सारे एडमिशन जो कि डायरेक्ट प्रभावित हुए हैं, जो डायरेक्ट हुए हैं उनको पास कर दिया गया, क्योंकि सल से थोड़ा प्रभावित हुए हैं। महाविद्यालय में थोड़ा सा संख्याएं के विदित है, और महाविद्यालय के लिए अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने आंदोलन भी किया था विद्यार्थी परिषद की तरफ से कि यहाँ पर बिल्डिंग और उसके लिए मांग की गई थी। छात्रों की समस्याएँ रहती हैं, यहाँ पर क्लासेस में बैठने की भी समस्याएँ रहती है, तो उसके लिए भी हम लोग किए हैं, उसके लिए भी यहाँ पर कंबाइन कर दिया गया है, और मांग भी ऐसी रखी गई तहसीलदार द्वारा आश्वासन देकर। आंदोलन तो आपके द्वारा किया गया है जी, लॉ कॉलेज की मांग को लेकर, विधि कॉलेज की मांग को लेकर के, लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है कि उसका रिस्पांस क्या मिला आपको, सफल किस हद तक आप सफल हुए? जी जी, लॉ कॉलेज के लिए हमने अभी सिंपल सा एक तो कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया, आंदोलन अभी नहीं किया, सिंपल सा एक ज्ञापन दिया है उसके लिए भी हम लोग बहुत बड़ा करने वाले हैं। 26 जनवरी के बाद हम लोग उसका आंदोलन करेंगे और अपन लॉ कॉलेज के लिए करेंगे, उसके लिए। क्या लगता है सफल होंगे? बिल्कुल सफल होंगे, बिल्कुल सफल होंगे। और NUCI और ABBP के अलावा भी कुछ छात्र संगठन पृथक से कुछ मांगे करते रहते हैं। हाल ही में हमने देखा कि विश्वविद्यालय की मांग को लेकर के पृथक छात्र संगठन द्वारा आंदोलन किया गया, तो इनको किस नज़रिए से देखते हैं? अब भाई उनको भी लगता है कि हाँ, एक सीधी जिले में एक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की मांग होनी चाहिए, क्योंकि एक जिले में महाविद्यालय सिर्फ एक ही है, जो कि यहाँ पे पूरे ग्रामीण स्तर के लोग आते हैं, पूरे ब्लॉक यहाँ पे 8 ब्लॉक के छात्र छात्राएं यहाँ पर पढ़ते हैं, तो बस एक विश्वविद्यालय की मांग जायज़ है कि होना चाहिए। दीपक जी, क्या लगता है कि आज भी छात्र संगठनों में कहीं ना कहीं एकता का अभाव है? सभी छात्र, देखिए मुझे तो, मैं अलग अलग करते हैं आंदोलन, नहीं लगता आपको कि यदि सब मिलजुल कर कार्य करें बड़े, तो उसका सकारात्मक परिणाम आ सकता है? देखिए, छात्र संगठन जो हैं वो छात्रों के हित के लिए करके लड़ाई हमेशा लड़ते आए हैं, और हमेशा उद्देश्य रहा कि छात्र हित को लेकर के हम जितना भी हो सके उतना काम करें, और छात्रों के हित को लेकर लगातार NSUI संगठन ने हमेशा काम किया है, और इसके लिए हमें जिस हद तक जाना पड़े, चाहे आंदोलन के माध्यम से, चाहे वो हमें हड़ताल के माध्यम से, चाहे हमें धरने के माध्यम से, लेकिन हम ज्ञापन किसी भी माध्यम से हम उस चीज़ का समाधान, समस्या का समाधान जरूर कराने में। लेकिन मुझे बड़ी हास्यास्पद बात लगती है इस बात को देख करके सर, कि जिनकी सरकार हो उन्हीं के छात्र संगठनों को आंदोलन लगातार करना पड़े, और उन्हीं की सरकार के लोग उन छात्रों की किसी तरीके की बातें न सुने, तो मैं नहीं मानता कि साहब कि किसी भी तरीके से उन्हें आंदोलन और कुछ भी संगठन में रहने लायक समय उनका रह गया है। बस जब आपकी सरकार है, आपके लोग हैं ऊपर बैठे और आपकी सरकार ही नहीं सुन रहे हैं, तो हम तो विपक्ष के लोग हैं, तो हम तो निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हम आखिरी दम तक प्रयास करेंगे, और हम तो प्रयास करने में, देखिए छात्र हित की बात है तो हमें हमारे शरीर का खून भी बहाना पड़े, हमारी जान भी चली जाए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम छात्र हित के लिए हमेशा अपने तन मन से बिल्कुल तत्पर रहेंगे उस चीज़ों को लेकर। जवाब दें, कह रहे हैं कि सरकार सुन नहीं रही है, ऐसा नहीं है। अभी हमने कुछ हाल ही में मांग की थी, यहाँ पर सब्जी मंडी सबसे बड़ा मुद्दा था, जो कि कॉलेज के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था, कि यहाँ पर खेल प्रतियोगिताएं शुरू हो गई थी, यहाँ सब्जी मंडी संचालित हो रही है कोरोना काल के चलते, उसके लिए हम लोग ने आंदोलन किया, और आज सब्जी मंडी हट गई और यहाँ पर खेल मैदान भी संचालित हो रहा है, यहाँ पर छात्र छात्राएं खेल भी खेल रहे हैं, और काफ़ी बहुत सारी हमने मांग की थी जो हुआ है यहाँ पर। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम तो विपक्ष में हैं। जी जी जी, लेकिन वो और विपक्ष में बैठे हैं तो उनकी सरकार नहीं सुन रही। अखिल भारतीय एक ऐसा छात्र संगठन है जो गैर राजनैतिक है, राजनैतिक लोगों से नहीं रखता, ना अपन कांग्रेस से रखते हैं ना BJP से, ये सिर्फ छात्र हित और छात्र के लिए काम करता है सदैव, ये नहीं करते कि सरकार हमारी है तो हमारा मांग होगा कि कांग्रेस की सरकार रहेगी तो वो उसके उससे मतलब नहीं है अपन को। जब भी कोई अगर आवश्यकता होती छात्र छात्राओं की, तो उसके लिए सदैव विद्यार्थी परिषद खड़े रहते हैं, कोई भी समस्या होती है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आप बोले। देखिए, यहाँ पे महाविद्यालय में एक मूर्ति बनी है जिसका ये नहीं लग पा रहा है कि ये किसकी मूर्ति है।
न इसमें नाम लिखा गया है किसी का, बस इसमें लिखा गया है कौन मुख्य अतिथि था, कौन इसका शिलान्यास किया है, बस यही बस दिखा रहा है। इसकी ये जाहिर नहीं हो पा रही है किसकी मूर्ति है। कोई का निर्माण कब हुआ? 2018 में। अच्छा, तो तब से लेके अब तक आप लोगों के द्वारा कॉलेज प्रशासन को इसकी सूचना दी गई कि नहीं दी गई? सूचना दी गई थी, बता रहे हैं स्वामी विवेकानंद की है, लेकिन लग नहीं रहा है उनकी है। हाँ, दयानंद सरस्वती भी कोई बोल रहा है, कोई स्वामी विवेकानंद बोल रहा है। अच्छा, तो किसकी लापरवाही मानते हैं इसके पीछे? इसकी लापरवाही तो कॉलेज प्रशासन की है। दीपक जी, मूर्ति में नाम नहीं लिखा गया स्वामी विवेकानंद जी का, क्या ये आपको बताना चाहूँगा सर्वप्रथम कि ये भाजपा सरकार की एक देन और गुण है इनके कि बताई विवेकानंद जी की मूर्ति गई थी और लगाई कि जब यहाँ पर जब ये बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया था। अच्छा। कॉलेज प्रशासन के आयोजन में। अच्छा। और जब ये मूर्ति का जो उद्घाटन हुआ और जो इस पे पर्दा हटाया गया तो यहाँ पर बैठे हुए लोग भी खुद भी चकित रह गए थे उस समय कि ये तो विवेकानंद जी की मूर्ति होनी थी और ये दयानंद सरस्वती जी की निकल गई, लेकिन नाम इसमें आज भी विवेकानंद जी का दिया जाता है कि विवेकानंद जी। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से आप इसको अगर एक पहली नज़र में आप देखें, यदि मैं आपको नहीं बताऊँ कि ये किन की मूर्ति है तो आप विवेकानंद जी की मूर्ति आपको कहीं से समझ में आती हो तो बताएं एक बार आप। खैर, मैं मुद्दों से नहीं भटकाना चाहूँगा आपको। मुद्दों की बात रही तो हमारे भाई साथी जो संगठन छात्रों के लिए बताते हैं कि काम करते हैं और हमेशा लड़ते रहते हैं, तो आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि आप भी उस समय थे जब सुबह 10 बजे से हम धरने पर बैठे हुए थे, रात को 9 बजे तक लगातार हमारा धरना कलेक्टेड परिसर में था, जिनमें से यही सारे मुद्दे थे हमारे। और इनकी सरकार, मुझे तो एक सबसे बड़ी चीज़ हास्यास्पद इस बात पे होती है मुझे कि ये बोलते हैं कि मैं सरकार, हमारी सरकार से कोई मतलब नहीं है, हम संगठन नहीं है भाजपा के। अगर आप संगठन भाजपा के नहीं तो भाजपा का विरोध करिए, आप भाजपा के मुख्यमंत्री का विरोध कीजिए, आप भाजपा के मुख्यमंत्री का मुर्दाबाद का नारा लगाइए, आप भाजपा सरकार के बाद में प्रशासन के खिलाफ बोलिए, सरकार के खिलाफ आप जा करके। आप कभी बोलते हैं मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं शिवराज सिंह मुर्दाबाद, बोलेंगे कभी आप? शिवराज सिंह छात्र विरोध के काम में करते हैं, क्या किसी भी तरीके से आपने उनका बात कभी मुर्दाबाद बोला? लेकिन आप जिंदाबाद बोलने के लिए तत्काल वहाँ से आते हैं। और आपको याद होगा कि सुबह जब कलेक्टर साहब ने लास्ट में 8-9 बजे के लगभग दरमियान जब कलेक्टर साहब आए थे, जिस तरीके से हमारी बात हो रही थी और आप भी थे उस समय, कि जब हम लोगों ने ज्ञापन में मुख्य बिंदु हम लोगों के जो 4-5 थे उनमें से एक बिंदु हमारा ये अतिक्रमण का मुद्दा, लेकिन देखिए साहब अतिक्रमण आधा ही हटा है अभी पूरा अतिक्रमण नहीं हटा है, जिसपे ये अपनी पीठ थपथपाने लगे हैं आज के समय में। ये आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी शासकीय भूमि संजय गांधी महाविद्यालय की यहाँ के डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा ही अतिक्रमण की गई है। और उसी दिन कलेक्टर साहब ने सबके सामने आश्वस्त किया था कि मैं विगत 3 से 4 दिन के अंदर आदेश पारित करता हूं, और आदेश पारित कर दिया उन्होंने। और यह आश्वस्त किसी, देखिए हमें तो सीधी सी बात है कि हमें काम होने हैं, हम विपक्ष में हम काम कराने के लिए बिल्कुल लड़ेंगे और जितना हो सकेगा हम उतनी ताकत से छात्रों के हित को लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। पर मेरा सवाल इन लोगों से है कि जो ये खुद की पीठ थपथपाते हैं हमेशा कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन ये है ऐसा है, आपकी सरकार है साहब और आप काम नहीं कर पा रहे छात्रों को लेकर के, किस तरीके से आपकी सरकार प्रशासन में है? हमारी सरकार प्रशासन थी, हमने तत्काल पे 50% एक झटके में, जिस समय एडमिशन होना चालू हुआ 2019 की बात कर रहा हूँ, 50% सीट बिना किसी तरीके से जीतू पटवारी जी माननीय शिक्षा मंत्री थे हमारे, और उन्होंने तत्काल बढ़ाई थी। और उस वर्ष ऐसा रहा कि कोई भी छात्र अछूता नहीं रह गया प्रवेश प्रक्रिया को लेकर के। और आज यह स्थिति है कि कहते हैं कि कोरोना लग गया है, कोरोना लाने वाला कौन व्यक्ति है? आपके ही लोग हैं ना, आपकी सरकार में बैठे ही लोग हैं ना, तो इस चीज़ का मुझे जवाब दें ये लोग। निश्चित रूप से मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉलेज परिसर के भीतर प्राध्यापकों की भी कमी है। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए जो आवश्यक हो जाता है पर्याप्त मात्रा में कम से कम शिक्षक हो, प्राध्यापक हो, लेकिन जब प्राध्यापकों की ही कमी देखी जा रही है तो क्या लगता है किस प्रकार से पठन पाठन हो पाएगा, किस प्रकार से छात्र जो है तो कॉलेज का पूरा लाभ उठा पाएंगे? बिल्कुल, उसके लिए भी हमने मांग किया था। और रही बात एक भाई साहब का कहना है कि मेरी एक बीजेपी सरकार है, अगर ऐसी सरकार होती तो हम आंदोलन प्रदर्शन ना करते, यहाँ पर धरना पे 4-4 घंटे न बैठते और जिंदाबाद मुर्दाबाद करना। सरकार की खिलाफत आवश्यकता बिल्कुल पर आप करते बिल्कुल करते हैं। जब अगर करते हैं तो शिवराज सिंह मुर्दाबाद का नारा लगाइए।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा जब जब छात्र विरोधी हैं साहब, परीक्षा लेते हैं छात्रों को फॉर्म भरवाया जाता है, हजारों रुपए छात्र बर्बाद, ऐसा नहीं है, और उनके पेपर नहीं होते, रिजल्ट नहीं आते, आप छात्र वो आप आने, अगर आप उनके संगठन के नहीं है तो आप उनका मुर्दाबाद का तत्काल, उनके संगठन के मुर्दाबाद, आप उनके संगठन से जुड़े नहीं, आप भाजपा से समर्थित नहीं है, आप बोलते हैं कि भाजपा समर्पित नहीं संगठन है, तो आप मुर्दाबाद, अगर भाजपा, अगर जैसा आप बोल रहे हैं लगाइए मुर्दाबाद का नारा, मैं बात कर रहा हूँ शिवराज सिंह मुर्दाबाद का नारा लगाइए जो छात्र विरोधी, आप जब जब ऐसी जरूरत पड़ेगी तो उनके भी छात्र विरोध, आप छात्रों के साथ में काम करते हैं तो आप लगाइए शिवराज सिंह मुर्दाबाद, जब आप ऐसा बोल रहे हैं कि आपको मालूम है ना कि छात्र इस समय जो पेपर के लिए एग्जाम देने के लिए भरते हैं उनके कईयों के रिजल्ट नहीं आते हैं तो पेपर ही नहीं होते हैं, क्या फ्री में आता है पैसा, मेहनत करते हैं नहीं, नहीं बेचारे भाई हमारे साथी है, क्यों आप मेहनत करते हैं दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत, समस्याओं का समाधान करने के, आपको पढ़ाने के लिए कितनी समस्या समाधान नहीं, जैसा भरा जाता है, जैसा आप बोल रहे हैं कि आप बताएं कि हमारी सरकार है तो हम आंदोलन प्रदर्शन बिना किए ही काम कर लेते, ऐसा नहीं है, मैंने कब फिर भी कर रहे हैं प्रदर्शन करने के, मैंने कब हमारी सरकार के रहते हुए भी हम आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगे, और अपनी मांगे वो लगातार हम लगे हुए हैं, विरोध कीजिए नहीं सरकार के बारे में नहीं बात नहीं कर रहा, कहना चाहते हैं मौका देते हैं, उनका मौका देते हैं नहीं, देखिए आंदोलन मत करिए नहीं, जैसा आप बोल रहे हैं कि आपकी आप आपकी बीजेपी सरकार रहते हुए आप का काम नहीं हो रहा, अगर ऐसी बात होती तो हम आंदोलन प्रदर्शन दो तीन लगातार कर रहे हैं, तीन तीन घंटे आंदोलन में बैठ रहे हैं, चाहे वो लॉ कॉलेज की बात हो, चाहे वो सब्जी मंडी, चाहे वो यहाँ के अतिक्रमण की बात हो, चाहे महाविद्यालय की पठन पाठन की समस्याएँ हो, चाहे वो कैमरे की सुविधा हो, चाहे यहाँ पर व्यवस्था हो, हर एक प्रकार की कोई भी अगर मुद्दे भी आती है तो हम उसके लिए सदैव, आपके इतने आंदोलन आप लगातार बोलते हैं कर रहे हैं, मैं मानता हूँ पिछले दो वर्ष महाविद्यालय में अभी पिछले वर्ष एडमिशन की प्रक्रिया इतनी समस्या थी, 25% बार तीन बार हम लोगों ने आंदोलन करके बढ़वाया उसको, तो और एडमिशन आपके अकेले आंदोलन का नहीं है, सबके आंदोलन और सबके समर्पित था, आपके अकेले आपके अकेले आंदोलन का नहीं था कि आपके अकेले आंदोलन का था कि आप ही आपके नेतृत्व कर रहे हैं, लगातार देखिए सीधी सी बात है सारी चीजें, देखिए कलेक्ट्रेट का घेराव नहीं किया आपने, ज्ञापन देखिए आपने आंदोलन में ही, और मेरा सिर्फ सवाल जहां था, मैंने आपको पहले बोला था कि देखिए जवाब नहीं देंगे और मुद्दे को भटकाएंगे यहां से, कहना ये है कि हमने आंदोलन किया, चाहे सीट वृद्धि की मांग को लेकर हो आंदोलन किया, चाहे सब्जी मंडी को लेकर आंदोलन किया, उनका कहना है कि हम तो आंदोलन कर रहे हैं, तो मैंने कब बोला कि आंदोलन ना करें, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, मैं तो उनका फिर वही मेरे भाई थोड़ा समझने में देरी लगती है उनको, वो शायद फिर नहीं समझ पा रहे हैं, मेरा प्रश्न ये था कि अगर आप छात्र हित की बात करते हैं तो ऐसी सरकार का कभी आपने नारा मुर्दाबाद क्यों नहीं लगाया, सिर्फ मुख्यमंत्री को मुर्दाबाद क्यों नहीं लगाया, जो छात्र विरोधी हैं, जिन्होंने केवल छात्रों से फॉर्म भरवा लिए हों, एग्जाम नहीं लिया हो, एग्जाम आ गए हों तो रिजल्ट नहीं आएगा, ये स्थितियां हैं, साल बर्बाद हो रहे छात्रों के, प्रवेश प्रक्रिया में आप बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, आप किसी भी तरीके से महाविद्यालय के एक ईंट नहीं निर्मित कर पाए इतने वर्षों में कि किसी नए महाविद्यालय का निर्माण करें हो, सीधी में इतने विगत आपको 20 साल से सरकार हो गई आपके मध्य प्रदेश में भाजपा की, सीधी में इस एकलौते पीजी महाविद्यालय के अलावा किसी महाविद्यालय का निर्माण कराया हो भाजपा सरकार ने या इनके द्वारा किसी आंदोलन में करके बताए हों, ये आंदोलन जो करना चालू हुए हैं NSUI की जो लगातार कई वर्षों से मांगे थी उसी को देख करके इन्होंने कॉपी पेस्ट चालू कर दिया, इन्होंने बताया कि हमने महाविद्यालय की मांग, हमने जो अभी रिसर्च किया है यहाँ आने से पहले तो यहाँ पाया ये है कि यहाँ प्राध्यापकों की कमी है छात्रों को पढ़ाने के लिए, इसके साथ साथ ही कैंटीन की कोई व्यवस्था नहीं है, इसके साथ साथ ही पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी है, और तो और यहाँ के जो टॉयलेट हैं तो वहाँ स्वच्छता की भी उचित व्यवस्था नहीं रहती है, तो ये सारी बुनियादी सुविधाएं हैं, हम जानना ये चाहेंगे कि इन सारी बुनियादी सुविधाओं के बारे में आपने क्या कदम उठाए जी, ये जो भी बुनियादी सुविधाएं मैंने अभी बताई इसके लिए हाल ही में मैंने अभी दो तीन दिन पहले पेयजल की व्यवस्था के लिए हमने आंदोलन किया, अध्यापकों की कमी के लिए आपने क्या कमी के लिए हमने प्राचार्य महोदय से निवेदन किया और उनसे बोला कि आप भर्ती करिए, जो भी रिस्पांस मिला आपको वो बोले कि हम अभी मंडे से उसको हल करेंगे, आपको कि इनको ये नहीं जानकारी कि प्राचार्य नहीं भर्ती कर सकते प्राध्यापक नहीं, इनको ये प्राचार्य के माध्यम से आश्वासन दिए उन्होंने SDM के तहत ऊपर से होती हैं, और कांग्रेस की सरकार में जो कमी थी मध्य प्रदेश के अंदर, कांग्रेस की जब सरकार बनी है तो सर्वप्रथम उसने यही काम किया है कि महाविद्यालयों में आपको बता दूं आज के डेट में लगभग ना सही तो 10% की कमी होगी प्राध्यापकों की, लगभग
काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई थी और वो भी पीएससी एग्जाम के थ्रू की गई थी, न कि किसी भी प्राचार्य के एक लेटर ज्वाइनिंग को लेकर के। संघर्ष करते रहे, बिल्कुल संघर्ष किए हैं, लेकिन अभी तक जो है तो प्राध्यापकों की कमी पूरी नहीं कर रहा। नहीं, अभी देखिए, मैंने आपको बोला ना कि कांग्रेस की सरकार में पुस्तकों की कमी, कांग्रेस सुनिए मेरी बात सुनने चाहे, कांग्रेस की सरकार बनते ही हमने दो तीन मुद्दों पे जो हमारे मेन लड़ाई चल रही थी हमने उस पर कार्रवाई की, लेकिन उस 15 महीने की सरकार में कुछ कितना समय हमें मिला, 2-4 या 6 महीने, क्योंकि आचार संहिता, लोकसभा चुनाव और इन सब चीजों में समय चला गया। हाँ। लेकिन जितना भी समय मिला तो हम ये बोलना चाहेंगे कि हम इतने कम समय में भी हम इतनी मांगों को पूरा कर लिए। तो मेरा ये कहना कि अगर भाजपा सरकार इतने वर्षों से है, अगर वो छात्र हितों को लेकर के काम करना चाहती है, छात्रों को इतना मानती है, तो छात्रों को लेकर के इन समस्याओं को निराकरण क्यों नहीं करती। और हम तो देखिए यह हाल हो गया, हम मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के आगे भैंस के आगे बीन बजाने वाला हाल हो गया हम साहब। ये स्थिति है कि उनके कान में जू तक रेंग नहीं रही है, क्योंकि वो छात्र विरोधी है हमेशा के लिए। व्यापम घोटाले से लेकर के किसी भी छात्रवृत्ति की बात की जाए, व्यापम घोटालों की बात की जाए, संविदा शिक्षक भर्ती की बात की जाए, किस भर्तियों की बात। आप मानते हैं कि बीजेपी सरकार में कोई कार्य एनएसयूआई के द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। एनएसयूआई के द्वारा सवाल आपका थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया, तो सवाल थोड़ा सा मुझे गलत समझ में आया। बीजेपी की सरकार है तो एनएसयूआई की सुनती नहीं है? देखिए, बीजेपी की सरकार एनएसयूआई बस की नहीं, छात्रों की ही नहीं सुनने चाहती है। बीजेपी की जो सरकार मध्य प्रदेश में स्थित है वो छात्रों की ही नहीं सुनना चाहती किसी भी तरीके से, कि छात्र हित को लेकर के किसी तरीके से उन्नति, क्योंकि छात्र अगर हित में अपने हित को समझ गया ना, अपने अपने अधिकारों की जानकारी उसके पास आ गई ना, तो वह अपने अधिकार मांगेगा। आज सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा को लेकर के, जो ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं लगातार, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। स्कूल का ले लीजिए, महाविद्यालय को लेकर के, ये प्राइवेट महाविद्यालय आप ये बोलते हैं, बोल रहे हैं कि हम चला नहीं सकते हैं, ये प्राइवेट हाथों में बेचने की तैयारी कर रखे हैं, इसको लेकर के कभी किसी तरीके से बातें क्यों नहीं की जाती हैं कि भाई नहीं हम चलाएंगे और शासकीय ही चलाया जाएगा महाविद्यालय को। क्या हमारे गरीब छात्र जो आज हैं, एक तो कोविड से इतने लोग परेशान हुए, इतने त्रस्त हो गए हैं, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी छिन गई है, गरीब परिवार और गरीब स्थिति में पहुंच गया है, और मध्यम वर्गीय परिवार भी लगभग टूट चुका है। तो इसके बावजूद भी स्थिति में छात्र हितों को लेकर के किसी तरीके की कोई नई सोच या नई किसी तरीके से नहीं लागू की जा रही है। और रही बात सुविधाओं की महाविद्यालय के अंदर, तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस सरकार ने इतनी बड़ी बिल्डिंग आपको दे के रखी है, सीधी में महाविद्यालय खोले हैं। अगर भाजपा सरकार 20 साल में कुछ नहीं कर सकी तो इसमें आप समझ खुद भी समझ सकते हैं कि केवल और केवल एक चीज़ है उसके अंदर, वो छात्रों का विरोध चाहती है, छात्रों को नहीं चाहती कि किसी तरीके से 4 करोड़ रुपये की बिल्डिंग केवल और केवल कांग्रेस सरकार ने दी। बुनियादी सुविधाओं की कमी है कॉलेज में कहीं ना कहीं? नहीं, अध्यापकों की कमी, कैंटीन की कमी, पुस्तकों की कमी, स्वच्छता की कमी है, स्वच्छता की भी कमी है, स्वच्छता नहीं रहती है कॉलेज में, कहा किसी प्रकार की भी स्वच्छता नहीं है। तो इसके पीछे दोषी किसको मानते हैं? इसको पीछे प्रचारी महोदय की, जबकि कुछ नई प्रक्रिया करेंगे ना, कि कुछ उसके बारे में सोचेंगे तो कहाँ से आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? आवाज उठाते जब कोई सुना जाए तब ना, तो आवाज तो उठाते, आंदोलन भी करते, धरना प्रदर्शन सब कुछ करते हैं लोग, बस यही बस बोला जाता है कि हो जाएगा। अभी जैसे कि कुछ आपन लोग सब कोई धरना प्रदर्शन किए थे, उसके बारे में बस कहा गया कि 15 जनवरी तक टाइम दिया गया, कितने दिन के अंदर नहीं पूरा होता तो फिर इसके आगे फिर कुछ आगे किया जाएगा, फिर उसके बारे में सोचा जाएगा। कोरा आश्वासन दिया जाता है बस, नहीं लिख के मतलब लिखित रूप में भी बोलते हैं कि मतलब कि इसका इतने दिन के अंदर निराकरण हो जाएगा, जैसे कि अपने SDM साहब भी थे, अपने TI साहब भी साथ में ही थे, बस इसी सब के बारे में चर्चा हुई थी। महेंद्र जी, आखिरी सवाल हमारा जी, आगे आने वाले समय में जो बुनियादी सुविधाओं की कमी है इस कॉलेज के भीतर, निश्चित रूप से पूरे जिले के अंदर से, हर एक तहसील से, हर एक कोने कोने से छात्र यहाँ आते हैं और अध्ययन करते हैं, लेकिन जब बुनियादी सुविधाओं की कमी है, पुस्तकों की कमी है, प्राध्यापकों की कमी है, स्वच्छता की कमी है और सारी चीज़ों की कमी है, उसके लिए आपका क्या कदम रहेगा और कैसे सरकार से अपनी बातों को मनवाएंगे आप? उनका तो कहना है कि वो तो विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो सरकार उनको ज़्यादा प्राथमिकता दे नहीं रही है। जी, कांग्रेस की सरकार आई तो कई सारे ऐतिहासिक कार्य उन्होंने करवा लिए, लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार है, और हालांकि आपका कहना है कि आप पृथक छात्र संगठन हैं, लेकिन किस प्रकार से, चूंकि आप छात्र नेता हैं, छात्र संगठन हैं, तो किस प्रकार से छात्रों के हितों के कार्य को आप सरकार से करवाएंगे? बिल्कुल, जिस प्रकार से चाहे हमें वो आंदोलन करके, चाहे वो हम अपन बातचीत करके, ऊपर मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन देकर, किसी भी तरीके से हम उसकी मांग रखेंगे, अपनी कॉलेज की जो भी समस्याएँ हैं। और लगभग अभी तक मतलब 15 जनवरी तक जो भी समस्याएं हैं कॉलेज की, वो ठीक हो जाएंगी।
अच्छा जी, अभी तक नहीं हो पाया तो अब इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि अब हो जाएगा? नहीं, इसके पहले हमने बात भी की थी और आंदोलन भी किया, तो उससे बातचीत भी हुई मुख्यमंत्री जी से, अपन लेटर भी दिया, भेजा भी यहाँ से एग्जापन के माध्यम से, कलेक्टर साहब से भी बात हुई। और हाल ही में हम लोग अभी जो भी बातचीत चल रही है अभी निरंतर, जो भी अभी फ्रीजर की समस्याएँ थी, तो लगभग अभी 2-3 फ्रीजर यहाँ पर आ भी गए हैं लगने के लिए। और बाथरूम और उसकी स्वच्छता की बात है तो उसके लिए भी हम लोग कॉलेज से बात किए, कॉलेज प्रशासन से, वो 15 जुलाई पूरा सिस्टमेटिक वो 15 जनवरी तक कर देंगे, ऐसा उनका आश्वासन दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा मैं एक बात नहीं समझ पाता हूँ कि छात्रों के हित की बात चल रही है यहाँ पर, तो छात्रों के हित के लेकर के कि एक महाविद्यालय की जो डिमांड है, जो महाविद्यालय की डिमांड लगातार मेरे द्वारा चलाई जा रही है, और विधि महाविद्यालय को लेकर के एक पीजी महाविद्यालय तो जो है ही है, और यहाँ बुनियादी जो सुविधाएं हैं, जब प्रशासन, जो मैं आपको पहले ही बता चुका कि जब यहाँ के लोग, आपको मैंने बताया कि 3-3 भाजपा के विधायक हैं, 2-2 सांसद हैं, सारी चीज़ें हैं, और एबीवीपी भाजपा का ही एक संगठन है, ये कितना भी झुटलाने की कोशिश करेंगे सब आपको मालूम है, सारी जानकारियाँ हैं, और इनके द्वारा लगातार बोला जाता है कि हम अपने बात करेंगे, जैसे अभी भाई ने हमारे बताया कि यहाँ की साफ़ सफाई और बुनियादी सुविधाओं के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की है, तो अच्छा है कि मुख्यमंत्री जी कम से कम यहाँ पर झाड़ू लगवाने के लिए खुद ही व्यवस्था करवाएंगे, हम भी कम से कम चलिए रोड में लगा के स्वच्छता अभियान के नाम पर फोटोग्राफी कराते थे, एक दिन महाविद्यालय में भी आ जाए हमारे, कम से कम साफ़ सफाई अभियान तो कम से कम प्रारंभ हो जाएगा इसी बहाने, प्राचार्य जी भी कम से कम सुधर जाएंगे जो लोग हैं वहाँ पर। तो निश्चित रूप से वार पलटवार का दौर जारी है एनसीआई एबीवीपी में, हम तो यही आशा करेंगे चाहे एनसीआई हो चाहे एबीवीपी हो, दोनों लोग मिलकर के छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।